रायसेन बरेली से हमारे संवाददाता मधुर राय की रिपोर्ट। किसान प्रदर्शन बरेली, रायसेन, मध्य प्रदेश, भारी बारिश और बाढ़ की तबाही से हजारों एकड़ की किसानों की फसल हुई बर्बाद। उदयपुर आप विधायक देवेंद्र पटेल एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में 2000 से अधिक किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने भोपाल जबलपुर एनएच 12 पर लगाया जाम। 2 घंटे बाद लगा रहा जाम, शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रायसेन जिले के उदयपुरा बाड़ी बरेली तहसील में भारी बारिश के चलते हजारों एकड़ में फसल बर्बाद हुई, जिसका सही सर्वे नहीं किया गया। किसानों ने बर्बाद फसल को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं नेशनल हाईवे 12 पर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसान सड़क पर बैठ गए और कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे थे। किसानों की मांग को लेकर किसानों ने उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल भाजपा सरकार पर खूब बरसे और प्रशासन को भी चेताया, किसानों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार किया तो ठीक नहीं होगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं कमलनाथ सरकार के गिराने वालों ने कहा कि बिकाऊ और गद्दार क्षेत्र में भारी बारिश की बर्बाद हुई फसलों का सही आकलन नहीं हुआ, जो कि आंदोलन किया जाएगा, हम किसानों के साथ अन्याय हुआ है। का इलाका है जहाँ अति बारिश से किसानों की धान, सोयाबीन या तुअर है, जो भी बारिश की फसल है वो लगभग खत्म हो चुकी है। और यहाँ 140 किलोमीटर लंबा इलाका है उदयपुरा विधानसभा का, तो पूरे में लगभग ये हालत है। अभी तक बारिश को करीब आराम से 15 दिन के ऊपर हो गया है अति बारिश को, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से ना कोई मुआवजे की या अन्य कोई ऐसी अभी तक कोई बात नहीं हुई, जबकि यहाँ 2700 तो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो अभी हमने एसडीएम साहब से बात की तो उसके लिए भी उन्होंने मालूम 2700 मकानों के लिए मात्र 80 लाख रुपए की राशि की, जिसका अगर अपने एवरेज लगा 3000 रुपए पर मकान का है, जो कि मतलब पर्याप्त नहीं है। रायसेन सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बजरंग सेना के तत्वाधान में किया गया झंडा यात्रा का आयोजन। गोरा टेकरी रहमा से विशाल झंडा यात्रा का आयोजन किया गया। झंडा यात्रा सिलवानी से सियरबाउ सुल्तानगंज होते हुए रहमा गोरा टेकरी सिद्ध स्थान पर पहुंची, जहां कार्यक्रम के बाद में गोरा टेकरी रहमा पर झंडा यात्रा का समापन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख अतिथि बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री रघुनंदन शर्मा जी समेत प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय एवं पंडित राजा बाबू बैरागी, कई हिंदू नेता यहां पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में रघुनंदन शर्मा जी ने समस्त सनातन धर्म समाज को जागृत करने का संदेश दिया और उन्होंने कहा हम प्रति मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए, गौ रक्षा करना चाहिए। प्रत्येक पंचायत में ज्यादा से ज्यादा, बड़ी नहीं तो छोटी हो, पर गौशाला होना जरूरी है। गौ सेवा ही सर्वप्रथम धर्म है। इसी बीच हिंदू सेवा परिषद के नेता आशीष खड़े ने